लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चौबीस जून को दीबा पाटिल साहब की पुण्यतिथि है और इस दिन फिर से एक बार प्रकल्पग्रस्तों की यलगार होने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, इसकी मांग पिछले साल से चल रही है और एक बार फिर से ये मांग जो है गरमाने वाली है। आज उसकी प्रिपरेशन बैठक हुई और इस वक्त हमारे साथ जो नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति है उसके कोर कमेटी के मेंबर हैं और विधायक प्रशांत ठाकुर साहब, आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, इस बार का आंदोलन कैसा होगा, क्या रूपरेखा होगी? नई मुंबई में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, ये हमारी मांग लेकर पिछले 24 जून को हमने जो आंदोलन किया था वो मांग हमारी कायम है। राज्य सरकार फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि 24 जून को जो सैलाब उन्होंने देखा हुआ है उसको देखते हुए इन सारे लोगों को दबाकर हम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, ये एहसास राज्य की सरकार को हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो प्रकल्पग्रस्त जनता है, भूमिपुत्र जनता है, इसकी जो एकजुट है, इस एकजुट का ये विजय है। फिर भी जब तक दीबा पाटिल साहब का नाम इस एयरपोर्ट को नहीं लगता तब तक हम हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके लिए फिर एक बार आने वाले 24 जून को हम सिडको भवन का घेराव करेंगे और सिडको ने यहाँ की जनता को विश्वास में ना लेते हुए जो ठहराव पास किया हुआ है उसको खारिज करने की मांग हम करके रहेंगे। ये आंदोलन लगातार चल रहा है, इसके बावजूद भी सिडको और राज्य सरकार इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही, आपको क्या कारण लगता है? क्या इसमें सिर्फ राजनीतिक कोई दबाव चल रहा है जिसकी वजह से प्रकल्पग्रस्तों के हित में निर्णय नहीं लिया जा रहा? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि राज्य सरकार जो है, खास तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, अपनी मांग कर अपनी इच्छा पर कायम है कि उनको बाला साहब का नाम उस एयरपोर्ट को देना है। और हमने कई बार ये कहा है कि बाला साहब का नाम महाराष्ट्र में कई जगह पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को दिया गया है, जो समृद्धि महामार्ग देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उसका काम शुरू हो चुका था उसको बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट को उनका नाम दिया जा रहा है। दीबा पाटिल जी की ये कर्मभूमि जन्मभूमि होते हुए अगर यहाँ पे ना ही नाम देंगे तो यहाँ की जनता उसको नहीं सहेगी। आज मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के OBC उनका जो मंच है उन्होंने भी रिजोल्यूशन पास किया है। कई सारे पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता हमसे मिलके बात करते रहते हैं कि नहीं, दीबा पाटिल जी के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल सही है और इसके लिए हम आपके साथ में, भले हमारे नेता इसमें आपकी साथ ना दे पर हम आपके साथ में रहेंगे। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने इस मांग को मंजूर किया गया है, तो इसी तरीके से हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जनता के दबाव को लेकर अन्य पक्षों को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी इस मांग को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक ये परिस्थिति नहीं बनती तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अब इस आंदोलन के, एयरपोर्ट नामकरण आंदोलन के साथ साथ प्रकल्पग्रस्तों के तमाम मुद्दे भी जुड़ गए हैं, आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं जो कई सालों से, 20 से 30 सालों से लंबित पड़े हैं। आपको लगता है कि इसी दौरान ये सारे मामले भी हल होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि कई बार हम जहाँ जिस स्थिति में रहते हैं वहाँ की अलग अलग मांगे रहती है, अलग अलग परिस्थिति रहती है, उसको लेकर कुछ नए मुद्दे रहते हैं। ऐसे मुद्दों को वहाँ की जनता या वहाँ के जनप्रतिनिधि सिडको के सामने रखते होंगे पर उनकी बातों को सिडको आज तक अनसुनी करती रही। अब जबकि इतनी बड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ दीबा पाटिल साहब के नाम को लेकर आग्रही नहीं है, दीबा पाटिल साहब के नाम को लेकर जो जनता हमारे आंदोलन को ताकत दे रही है उस जनता के अलग अलग इशू है। जैसे कि नवी मुंबई के क्षेत्र में अब 250 मीटर तक के घर रेगुलराइज करने के बारे में बात कही गई है जो कि बहुत ही गलत बात है। सिर्फ 250 मीटर के घर क्यों रेगुलराइज हो, उसके बाहर के घर क्यों नहीं? सिर्फ घर क्यों रेगुलराइज हो, बाकी के अन्य जो बांधकाम है वो, जो कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलराइज क्यों ना हो? ऐसे कई सारे मुद्दे हमारे हैं जिनको लेकर हमारे राजेश गायकर जी हैं, उनके साथ में लेकर पनवेल में कई सारे मीटिंगें हो चुकी हैं, विनोद मात्रे जी हैं उनको लेकर उरण में मीटिंगें हो चुकी हैं, दशरथ भगत जी उन्होंने
मनोहर पाटिल जी या फिर उसी के साथ साथ हमारे उस क्षेत्र के नवी मुंबई क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग मीटिंगें वहाँ के लीडर के मार्गदर्शन में की है। गणेश नाइक साहब ने नवी मुंबई के मीटिंग का नेतृत्व किया और इसी तरीके से पनवेल उरण में रामशेठ ठाकुर जी या जगन्नाथ पाटिल साहब खुद आए और उनके नेतृत्व में दशरथ दादा पाटिल ऐसी मीटिंगें हुई। और ये जो सारी मांगे हैं ये सिडको से हमारा यहाँ पर संघर्ष है, इस संघर्ष को चिन्हित करती है और ये चिन्हित करते हुए ये मुद्दे इनके ऊपर भी हमें समाधान चाहिए और इसके लिए भी सिडको के माध्यम से हमको टाइम बेस्ड ऐसे सॉल्यूशन चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, पिछली बार के आंदोलन में लाखों प्रकल्प ग्रस्त सड़कों पर उतरे थे और उसकी नोटिस अब आ रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार प्रकल्प ग्रस्तों को रोकने के लिए सरकारी दबाव तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और नोटिस आ रही है? अभी ऐसा है कि जब भी हमारा आंदोलन आता है कोविड चला आता है और फिर कोविड के चलते नए नए कानून बनते हैं और उसके नोटिसेस थमाए जाते हैं और आंदोलन होने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है। कार्रवाई कब होती है? जब नया आंदोलन कोई हो है। आपने ठीक कहा कि नया आंदोलन ना हो, जनता को डराए रखे, ऐसे केसेस को लेकर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और कई सारे मुद्दे रहते हैं तो उनको डरा कर आंदोलन से अलग किया जाए, इसकी ये रणनीति है ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता लोग ऐसे दबाव को ना या लेते हुए इस आंदोलन में शामिल होंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि सरकार अभी भी इस नया आंदोलन को, जो 24 तारीख को दीबा पाटिल साहब की पुण्यतिथि है उस दिन जो आंदोलन होने वाला है नामकरण का, उसको दबाने की एक बार फिर कोशिश में लगी है, जो नोटिस आ रही है उसका संकेत है। लेकिन जैसा कि कोर कमेटी के मेंबर प्रशांत ठाकुर जी ने कहा कि आंदोलन को दबाने की चाहे लाख कोशिश हो लेकिन प्रकल्पग्रस्त एक बार फिर से अपने मसीहा दीबा पाटिल के नामकरण के लिए सड़कों पर उतरेंगे और सरकार जवाब देने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।